एक बार फिर देखिए, मोदी जी को गंगा जी मैया ने 14 मई को नामांकन के लिए वाराणसी बुलाया है, और 13 मई को उनका बनारस में रोड शो होने वाला है, जिसके लिए जो है बनारस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और उसी सजावट में जो है देखिए, यहाँ रंग पेंट किया जा रहा है पोल पे, बिना पोस्टर हटाए, बिना कागज़ हटाए, बिना मिट्टी साफ़ किए। और ये भाई साहब नगर निगम वाराणसी के हैं। जब इनसे पूछा गया कि जो है आप इस तरह से पेंट क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है हमें सिर्फ जो है पेंट करने का पैसा मिला है, पोस्टर निकालने का पैसा नहीं मिला है। देखिए, नगर निगम वाराणसी की गाड़ी खड़ी है, इसमें अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, बट ये अधिकारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जो पेंट कर रहा है ये किस तरह से पेंट कर रहा है। ये पोस्टर के ऊपर से बस पेंट किए जा रहा है, न सफाई किया, ना प्लास्टिक निकाला, ना पेंट निकाला, ना कागज़ निकाला, बस कागज़ के ऊपर, पोस्टर के ऊपर बस अपना काम ख़त्म किया जा रहा है। बस नाम का पेंट किया जा रहा है, पेंट का वेस्टेज किया जा रहा है। इस तरह से जब काम होगा तो जितने लोग भी देखेंगे कि इस तरह से काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो है यही समझेंगे कि जो है मोदी जी के रहते हुए उनके क्षेत्र में इस तरह से पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, और जो है इससे वोट बैंक ख़राब होता है, लोगों का नाम ख़राब होता है। इससे यही सोचेंगे लोग कि जो है कि मोदी जी के रहते हुए भी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी वर्कर हैं, अधिकारी हैं, उनको ये डर हो कि मेरे पर कार्रवाई हो सकती है, और ये वीडियो मोदी जी तक जो है शेयर हो, ताकि उनको पता चले कि उनका वोट बैंक कैसे ख़राब होता है, ग्राउंड लेवल पे लोग कैसे काम करते हैं, और जो है इस तरह से आगे जो है फ्यूचर में लोगों को डर हो कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमको कोई ना कोई देख रहा है, हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो हमारे पर कार्रवाई हो सकता है। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।